हेलो एवरीवन माय सेल्फ प्रमोद ढाका सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट सी एल तो कर बेटा आज के सेशन में हम 2016 से 2019 में 16 से 19 तक जेई एडवांस के पेपर में जो भी एसएचएम ग्रेविटेशन और वेव थोड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन जैसे मैं क्वेश्चन नंबर वन की बात करता हूँ

और मास के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि सन का जो मास है वो अर्थ के मास के कंपेरेटिवली थ्री इंटू टेन एज सुर फाइव टाइम्स ज्यादा है ओके सर द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड इज वीज टू अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से स्केप वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दी है किलोमीटर पर सन अर्थ सिस्टम इज क्लोजेस्ट टू ओके सर देखो मैं यदि किसी पार्टिकल के बारे में बात करूं तो हम किसी भी सिस्टम के लिए किसी पार्टिकल के स्केप होने की एक कंडीशन डिफाइन करते हैं कि दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यदि पार्टिकल की टोटल एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो पार्टिकल उस सिस्टम को लीव कर जाएगा उस सिस्टम से स्केप कर जाएगा

अब देखो मास के बारे में ये बोल रहा है कि सन जो है वो अर्थ के कंपेटिवली थ्री इंटू टेन द टू फाइव टाइम्स है इसका मतलब सन का जो मास होगा विल बी इंटू टेन डेज टू द दास इंटू स्मोल डिस्टेंस डिस्टेंस की बात करोगे देखो इन्होंने सेपरेशन की वैल्यू दे रखी है टू टेन डे टू देडियस ऑफ अर्थ एंडल टू जीरो पार्टिकल के स्केप करने की कंडीशन है यदि अपन इसमें स्केप वेलोसिटी पुट करते हैं ना तो इस वी के प्लेस पर हम क्या पुट कर देते हैं वीई पुट कर देते हैं के प्लेस पर क्या पुट करते हैं वीई और टोटल एनर्जी को कितना ले लेते ले हैं सर उस केस में जीरो लेकर सोल्व करते हैं अच्छा तो जैसे ही मैं यहां पर जीरो और इसके प्लेस पर वीई लेकर सोल्व करूंगा ना तो मेरे पास v की जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी अंडर रूट वैल्यूल्टी सिक्स जी बोलो यस सही <laughs> भाई इसमें सिंपल सा फंडा ये तो वन आएगा और इस वाले से सोल्व करोगे यदि आप तो दिस इज थ्री थर्टी डिवाइड से सोल्व कर लो इसको ठीक बात तो v की वैल्यू जो है इस केस में अपन जीरो लेकर जब सोल्व कर रहे हैं तो v के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं सर वी पुट कर रहे हैं क्लियर है ठीक है यदि मैं अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी की बात करता हूं ना तो वी स्केप फ्रॉम अर्थ ये वाली वैल्यू अपने पास आती है अंडर रूट टू जीएम अपो नारी और इस वैल्यू की इंफॉर्मेशन की गिवन है दैट दिस वैल्यू इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ओके सर तो यहां से यदि अपन इसको सोल्व करेंगे रूट थर्टीन टाइम्स वी

द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज दर म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स मतलब रोटेशन uh, के लिए उनके सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीमिटल फोर्स है दैट इज दैट इज प्रोवाइडेड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ रो आर इज कॉन्स्टेंट इन रो आर इज कॉन्स्टेंट इन टाइम ओके द पार्टिकल नंबर डेंसिटी एन आर दैट इज रो आर बाई एम इससे रो आर बाई एम की वैल्यू पूछी ठीक बात देखो क्वेश्चन को यदि आप फर्स्ट हिट में देखो ना तो थोड़ा सा कम समझ में आना वाला सा है तो अपने को करना है क्या जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसके बेसिस पर पहले क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं मान लो जैसे सपोज अपन ने कहा ये ये कोई क्लाउड है और इस वाले पॉइंट पर ये उनका सेंटर है इस वाले पॉइंट पर एक स्मॉल एम मास पार्टिकल है मास पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल एम वो रिवोल्व कर रहा है और इसकी यहां से ये जो रेडियल डिस्टेंस है ना सेंटर से दैट डिस्टेंस इज स्मॉल स्म ओके सर

बोला यस अब एक काम करते हैं देखो <coughs> मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं तो जैसे टू अपोन आर इस वाले टर्म के साथ बात कर रहा हूं मैं और इसको अपन पुट कर सकते व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है ना बेटा जी कैपिटल एम एम अपोन आर स्क्वायर ट वैल्यू इज टू के अपॉन आर तो आर की एक पावर तो सही हो जाएगी एक बचेगी बोला ठीक यदि मैं यहां से कैपिटल एम की वैल्यू पुट करना चाहूंगा डिवाइडेड बाई जी इंटू में स्मोल एम बात ठीक अब देखो मास कैपिटल एम के बारे में तुम बात करो ना तो मास कैपिटल एम जब भी अपन किसी स्पीय का मास कैल्कुलेट करते हैं ना टोटल मास तो करते क्या है हम कुछ स्फेरिकल सेल्स अज्यूम करते हैं एक्स डिस्टेंस पर एक डीएक्स थिकनेस की स्फेरिकल सेल अज्यूम की फिर उसको मास में कन्वर्ट करते हैं मतलब करते क्या है जैसे तो मान लो लेट्स सपोज मैंने यहां से आर डिस्टेंस पर यहां से आर डिस्टेंस पर डीआर थिकनेस की एक स्फेरिकल सेल अज्यूम कर ली तो इस सेल का वॉल्यूम क्या होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ दिस सेल विल बी फोर पाई आर स्क्वायर डी आर है इसी टाइप से कैलकुलेशन करते हैं और इस सेल का जो मास होगा डीएम दैट विल बी डेंसिटी रो इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सेल दैट वैल्यू इज फोर पाई आर स्क्वायर डी आर ठीक बात ये अपने पास डीएम की वैल्यू आ गई ठीक बात तो हमने कहा सर देखो डेंसिटी के लिए अपने को एनी हाउ इस एम को डिफ्रेंशियट करना पड़ेगा मतलब तो कुछ क्लियर हो रहा है ठीक है तो एम को जैसे डिफरेंशियट किया इधर वाला डाटा डीएम एंड इधर वाला डाटा अपने पास आएगा टू के बाई जीएम इन में वोट डी आर बोलो सही है डीएम की ये वाली वैल्यू यहां से मैं पुट कर देता हूं बेटा दिस वैल्यू बिकम्स रो इनटू में फोर पाई आर स्क्वायर डी आर is equals दिस वैल्यू बिकम्स becomes 2k by gm into dr सही तो मैं रो को क्या पुट कर सकता हूं यहां से तो रो को पुट किया जा सकता है 2k के डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर इंटू जीएम थोड़ा सा और सोल करके लिख दे अपन दिस वैल्यू बिकम्स के अपोन 2 पाई आर स्क्वायर जीएम ओ <coughs> सॉरी oh, ये वाला जो डाटा है दिस मास इज स्मॉल एम ना सोल करके लिख रहे हैं तो अपने पास वैल्यू आ रही है के अपोन टू पाई आर स्क्वायर सी एम ठीक क्या सर अब क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बात करें तो क्वेश्चन में रो बाई स्मोल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपके पास रो आ गया तो आपको डिवाइडेड बाई करना है सो रो रो आर डेंसिटी है डिवाइडेड इज इक्वल टू दिस वैल्यू बिकम्स के पाई स्क्वायर साथ में क्या बेटा जी जी एम स्क्वायर बोलो ठीक है तो यहां से यदि अपन आंसर वेरीफाई करें तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर क्लियर थोड़ा सा टिपिकल है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस क्वेश्चन में एक बार आपको सोचने की जरूरत क्या थी अप्रोच सोचना था कि अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें वो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर था कि जो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी फोर्स है वो सेंट्रीमिटल फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रोवाइड हो रहा है तो अपन ने बस उसको पुट किया फिर आगे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया बात ठीक चलो आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री

In both the cases, a particle with mass small m, less than capital M, is softly placed on the block, after which they stick to each other. Okay. Which of the following statement is are true about the motion of mass m placed on capital M? Okay sir. देखो, अब इस वाले केस में अपन क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं ना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। The amplitude of oscillation in the first case changes by a factor of उूट ऑफ कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल स्मोल एम वेर एज इन से ठीक है तो देखो बेटा जैसे फर्स्ट वाला जो केस है फर्स्ट वाले केस में मास पार्टिकल कैपिटल एम जो था वो पहले मीन पोजीशन पर है ठीक है और मीन पोजीशन पर जब ये होगा तो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो अपने पास होगी बी वन मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट के डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इन टू में ए वेर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन v इज इक्वल टू क्या होता है एक मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और उसकी वैल्यू अपने पास किसके इक्वल होती है ओमेगा ए के इक्वल होती है ओमेगा अंडर रूट के बाई एम होता है बोला ठीक है, एक एक है. पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में जब आप बात करोगे जैसे ही आपने कैपिटल एम पर स्मोलम रख दिया तो मैं मोर और लेस ये कह दूं कि सर टोटल मास जो है विल बी कैपिटल प्लस स्मॉल सही बोला हाँ। और जैसे ही आपने पुट किया देखो ये दोनों इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से एक साथ चलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से मतलब अभी इस प्रेजेंट फोर्स जो है जीरो जीरो तो बोले ठीक बात Let's suppose कि इस पर पर इसकी velocity जो है, वो V2 है। वो और V2 की value भी क्या होगी? नए में देखो mean position पर velocity हमेशा क्या होगी ओमेगा ही होगी तो इस नए सिचुएशन में जो ओमेगा होगा दैट विल बी अंडर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एंड लेट सपोज द न्यू एम्पलीट्यूड इज a एस बोलो ठीक अब हमने कहा सर देखो एक्सटर्नल फोर्स तो अपसेंट है मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व है लीनियर मोमेंटम कंजर्व है वी कैन से आगे बढ़ाएं सर क्वेश्चन को दिस वैल्यू इज कैपिटल एम इन में अंडर रूट के बाई कैपिटल एम इंटू मे एम्पलीट्यूड ए दिस वैल्यू इज कैपिटल एम प्लस स्मोल एम में के डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू में क्या ओके सर okay, अब देखो यहां से सोचे तो के तो सही इसके हाफ ऊपर कंप्लीट पावर है नीचे हाफ है हाफ हाँ, पावर बचेगी इधर ऊपर कंप्लीट है नीचे हाफ पावर है ऊपर हाफ पावर बचेगी तो ये थोड़ा सा सजा के लिखें इसको तो कुछ ऐसा आएगा अंडर रूट एम इन टू में इज इक्व टू ए डे टू में अंडरउ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम तो एड की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, case, uh, sorry, case, तो में जो है वो चेंज हो रहा है और किस फैक्टर से चेंज हो रहा है कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल स्मोल एम तो अपना फर्स्ट ऑप्शन का एक पार्ट जो है वो अपने पास अब मैं यदि इसके सेकंड ऑप्शन की बात करता हूं तो बोल रहा है कि इन द सेकंड केस इट रिमेंस रिमेन्सेंज तो सेकंड सेकंड केस केस में वैसे भी आप जो है में जब अपन पार्टिकल रख रहे हैं तो किस पोजीशन पर रख रहे हैं ये कैपिटल एम रेस्ट में था ये वाली डिस्टेंस कैपिटल ए ये वाली पोजिशन एक्स टू एक्स नोट थी अपनी बोला ठीक है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है दूसरे सेकंड वाले केस में आपने रखा क्या देखो यहां पर जैसे ही आपने कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम रखा सर मीन पोजीशन से अभी भी एक्सट्रीम तक की जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन कैपिटल ए तो मैं ये कहूंगा सर फर्स्ट केस में तो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और सेकंड केस में ये क्या रह रहा है मींस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट क्लियर बोला ठीक सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा है टी डैश दिस बी 2 पाई अंडर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय के और इस वाले केस में भी जब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है, easily, 2 root, होता है, तो आगे है अपने पास मतलब इन दोनों सिचुएशन में दैट वैल्यू इज सेम सो आई से द सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट बात ठीक है अच्छा अब देखो ये थर्ड वाले ऑप्शन की बात कर रहा है टोटल एनर्जी डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस ठीक है तो जैसे मैं सेकंड वाले केस की बात कर लेता हूं पहले फर्स्ट वाले केस को डिस्कस करेंगे पहले सेकंड वाले केस की बात कर लेता हूं सेकंड वाले केस में पहले जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी एस एच एम की ए पर इस बात का ध्यान रखना है बेटा जी मैं इस केस में यह मान के चल रहा हूं कि मीन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इस वाले केस में दिस इज हाफ के ए स्क्वायर कॉनेटिक एनर्जी कितनी जीरो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एस बिफोर मास स्मॉल एम

क्लियर अच्छा सर तो यदि मैं थर्ड के फर्स्ट पार्ट थर्ड को फर्स्ट वाले पार्ट के लिए बोलू ना तो देखो क्या हो रहा है कि स्पीड जो है इस वाले केस में आपके पास वी वन है इस वाले केस में आपके पास v2 है तो यदि मैं वैल्यू चेक करना चाहूं वी वन और वी टू अपने पास दोनों है तो इनके लिए इनिशियल और फाइनल एनर्जी की कैलकुलेशंस करता हूं देखो फोर पुटिंग द मास स्मॉल एम कनेटिक एनर्जी कैन बी रिटर्न एस टू पी स्क्र बाई टू इंटू कैपिटल एम और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की जीरो तो मैं यह कह सकता हूं कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जीज है दैट वेल्यू इज पी स्क्र बाई टू एम बोला ठीक दूसरे वाले केस के लिए बात करूं तो लीनियर मोमेंटम तो क्या है कंजर्व है पोटेंशियल एनर्जी जीरो डेस दैट वेल यू जीरो प्लस डिवाइडेड बाई टू टाइम्स कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम दिस एनर्जी इज ई डेस सो फ्रॉम ये लेस देन ई मतलब फर्स्ट वाले केस में टोटल एनर्जी जो है ना वो डिक्रीज होती है वाइल इन सेकंड केस टोटल एनर्जी डिमीन्स अनचेंज सो ऑप्शन थ्री इज इन करेक्ट बोलो ठीक ओके सर अब अगले फोर्थ वाले केस में कह रहे हैं इंस्टेटेनियस स्पीड एक्स नॉट

फर्स्ट वाले सेकंड के लिए यदि मैं इसके पहले ऑप्शन के लिए बात करूं मतलब बिफोर पुटिंग द मास दिस वैल्यू विल बी अंडर रूट के बाई एम इन टू ए एंड आफ्टर पुटिंग द मास दिस वैल्यू इज के अपोनेंट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एम्पलीट्यूड सेम है

तो पहले अपन क्या करते हैं इतनी इंफॉर्मेशन के साथ एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डायग्राम इसका है कैसा ये कैसी सिचुएशन में है कि सर दो लाउड स्पीकर है ना ये एम मान लो इसके नीचे यहां एन मान लो और यहां इसका मिड पॉइंट क्यू है बोला ओके यहां पर पी है जिसका यहां से इनिशियल सेपरेशन ये 1800 मीटर है ठीक ये वाला 10 मीटर है ये वाला 10 मीटर है ओके वो कह रहा है कि ये, ये Q की तरफ अप्रोच करता है वेलोसिटी U से वेलोसिटी U की वैल्यू मेरे को गिवन है दैट U इज 60 किलोमीटर पर आवर बोला ठीक फिर वो बोल रहा है दैट इट क्रॉसेस Q Q को क्रॉस करता है इवेंचुअली रीचेज एट आर एटीन मीटर अवे फ्रॉम क्यू

And R, mu P, mu Q and mu R. देखो यदि आप पीपर बीट फ्रीक्वेंसी की बात करते हो ना सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा दोनों ही थेटा होंगे बोला हां तो इधर जो u का कंपोनेंट आएगा दैट कंपोनेंट विल बी u cos थीटा और इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट इज ऑल्सो u cos थीटा तो मैं पॉइंट पी पर यदि बीट फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं ना तो पॉइंट पी पर बीट फ्रीक्वेंसी मेरे पास आएगी दैट इट इज यू प्लस वी वी प्लस यू कोस सीटा डिवाइडेड बाय वी मैंने क्या किया देखो द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स और यहां पर अपन जो वेलोसिटी पुट करते हैं ना दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर तो इस लाइन के अलोंग इसके कंपोनेंट की बात करोगे कितना आएगा बेटा जी यू में भी कंपोनेंट कितना कोस बोला ठीक बोल कि और इसकी फ्रिक्वेंसी को लेट सपोज मैं बोल देता हूं ट्वेंटी और एफ वन की वैल्यू जो है, है, है तो मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूं क्या कि ये वाला जो डाटा होगा इन टू में थ्री होगा बीट फ्रिक्वेंसी के लिए देखो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हर्ड करेगा इस वाले की एन वाले की जो फ्रीक्वेंसी हर्ड करेगा ना दैट वैल्यू प्लस एफ टू और एम वाले की जो हर्ड करेगा दट इज वी प्लस यू को सीटा बाई वी इन टू में एफ वन और वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस ले लो डिफरेंस तो ये तो कॉमन है दोनों में और एफ टू माइनस एफ वन कितना थ्री आ जाएगा बोला okay. <coughs> ये अपने पास वैल्यू आ गई अब Q पर यदि मैं बात करूं तो Q की वैल्यू तो सीधा सीधा मेरे पास F2 टू माइनस ही होगी Q तो जो है वो उनके साथ इसके एंगल की बात करें देन दिस एंगल इज वॉट 90 डिग्री बोलो यस ये और येस ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है तो सीधा सीधा मेरे पास F2 टू माइनस बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज थ्री बोला ओके अब मैं आर पे जब बात करता हूं ना देखो आर वैसे तो पी टाइप ही है और ये वाला एंगल जो ये थीटा है ये ये है 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 इसमें इसमें एक difference है, कि इसमें ये यू से अवे सो, सोर्स है, तो सोर्स और को करने वाली के अलोंग मैं बात करूंगा ना <coughs> इधर वाला जो एंगल, होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा होगा तो मैं यदि यहां से म्यू आर कैलकुलेट करता हूँ ना देन दिस वैल्यू बिकम्स यू माइनस यू को थीटा डिवाइडेड बाई बी इन टू में कितना बेटा जी थ्री बोलो भाई यस और नो सही है बोला हां सर अब यदि मैं अपने क्वेश्चन में देखता हूं ना इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री थर्टी मीटर पर सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक द साउंड हर्ड बाय द पर्सन तो मैं इसमें क्या ऑप्शन बाय ऑप्शन बात करता हूं देखो पहला दूसरा डायग्राम है बात करेंगे पहले मैं तीसरे ऑप्शन की बात कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास तीनों डाटा है म्यूपी भी, म्यू भी है म्यू आर भी है <coughs> आप कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लो या फिर समझदार इंसान बनना चाहो तो समझदार बन लो बोला म्यू क्यू म्यू पी प्लस म्यू आर दैट वैल्यू विल बी दिस प्लस दिस अब दोनों में से थ्री बाई वी तो कॉमन है बोला टर में वी प्लस यू कोस थीटा और ए, उसके न्यूमिरेटर में वी माइनस यू को एड करोगे कितना बात सही है चाहिए बेटा तो इस वाले केस में जो अपने पास बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है म्यूपी प्लस म्यू आर इज इक्व टू ट्वाइस म्यू क्यू सो द करेक्ट ऑप्शन थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर अब मेरे को बात करनी है देखो एक तो ग्राफ बताना और एक ये बताना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कहां पर मैक्सिमम और कहां पर मिनिमम देखो इस वाले केस में यदि मैं बात करता हूं ना तो मेरे को एक चीज तो वैसे डायग्राम से यदि मैं सोचू इस वाले केस में और इस वाले केस में दो डायग्राम है फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम के तो एक मैं एनालिटिकल अप्रोच की बात करता हूं ना मैथमेटिकल बाद में बात करेंगे सीधा अपन जुगाड़ से काम करें तो देखो जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा मतलब ये ये चल ही नहीं रहा होगा या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होगा तो उस वाले केस में इस ग्राफ की जो स्लोप है वो उस पॉइंट पर जीरो आनी चाहिए मतलब जितने जैसे जैसे सेपरेशन इंक्रीज होता जा रहा है ना वैसे वैसे सेपरेशन इंक्रीज होगा तो स्लोप बहुत कम होगा तो इन दोनों पॉइंट पर स्लोप बहुत कम होना चाहिए तो यदि इस पर बात करोगे तो क्या पी पर और आर पर स्लोप जीरो की टेंट है जीरो की तरफ टेंड कर रहा है नहीं कर रहा है ट मींस द सेकंड ऑप्शन इज इन करेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट स्लोप ऐसा ही आना चाहिए पहला तो ये दूसरा यदि मैं अब जैसे इसके ऊपर मैथमेटिकल अप्रोच की बात करता हूं बेटा तो हमने कहा सर मान लो जैसे ये वाली कंडीशन यहां पर कोई पॉइंट है ना लेट सपोज व्हेन द सेपरेशन इज एक्स ये कोई एंगल इस टाइम थीटा बना रहा है ये डिस्टेंस है टेन ये तो टेन है अच्छा तो यदि मैं इस वाले पॉइंट पर बीट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करता हूं तो बीट फ्रीक्वेंसी मेरे पास आती है वी प्लस यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई वी इंटू में डेल्टा एफ अभी अपन ने कैलकुलेट किया था ऊपर डाटा वही रखा है मैंने ना। अब मेरे को इसको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करता है तो टीम यू डिवाइडेड बाई डी टी दैट वैल्यू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन v का तो जीरो इसका अपने पास कितना आएगा कोस थीटा है तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा दैट इज माइनस यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय v डेल्टा f वो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है मतलब डी थीटा बाई डी मतलब इतना आसानी से तो नहीं निकलने वाला ना अब अपने को डी थीटा बाई डी टी को एलिमिनेट करना एनी हाउ यहां से बोला ओके सर <coughs> देखो मेरे को डी थीटा बाई टी चाहिए तो मेरे पास एक रिलेशन है इन दिस राइट एंगल अपॉन इज थीटा सही है क्या बोला हा यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो माइनस टेन अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स बाई डी टी एंड दिस वैल्यू इज वॉट टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर टीटा डी टीटा बाई डी टी बोलो सही है डीएक्स बाई डी टी माइनस के साथ जो है इधर व्हीकल इधर मूविंग है यू वेलोसिटी से तो माइनस डीएक्स बाई डी टी जो होगा ना बेटा दैट वैल्यू इज वॉट यू अच्छा तो ये अपने पास वैल्यू आ गई देखो कितनी माइनस टेन अपोनेंट एक्स स्क्वायर साथ में कितना से स्क्वायर ठीठा और माइनस ऑफ यू दिस वैल्यू इज डी थीटा बाई डी टी बोलो भाई सही है अच्छा अब मैं क्या करता हूं एक्स के प्लेस पर एक वेरिएबल और आ गया ना आपके पास एक्स भी आप कंपेरिजन करने जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप वेरिएबल क्वांटिटी लेकर तो फिर कर नहीं पाएंगे ना या तो आप थीटा के में बात करेंगे या फिर आप X के में बात करेंगे तो हम एक्स को एज थीटा टर्म्स में रिप्लेस कर देते हैं तो अपन ये पुट कर सकते हैं दैट थीटा जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे दिस वैल्यू बिकम्स टेन यू डिवाइडेड बाई हंड्रेड अपोन टीटा टेन थीटा बोले तो कितना टेन uh, थीटा सॉरी नॉट टेन ठीटाजेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ से बाई डी टी बोलो सही है बोला सर ठीक है यदि अपन यहां से इसको सोल्व करते ना देखो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है d theta by dt is equals to this value becomes u divided by 10 और ये जो 10 square theta है ये अपने पास ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर मैंने इसको open करके और लिख दिया मतलब 10 theta को मैंने sin theta by cos theta लिख दिया then it is sin square theta divided by cos square theta and multiplied with what sec square theta cos square theta into sec square theta कितना one बोला बहुत बढ़िया मतलब मैं मोर और लेस ये कह सकता हूं दैट डी थीटा बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड फ्रॉम हियर डी न्यू बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ साइन थीटा इनटू डी थीटा बाय डी टी तो अपन डी न्यू बाय डी टी के लिए यदि बोलना चाहें देन वी कैन से दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू sin क्यूब थीटा और स्लोप का मोड ले, ले लेते हैं सर सेट है हां या ना बोला यस सर तो एंगल थीटा जितना स्मॉल होगा ना एंगल थिटा जितना स्मॉल तो मतलब जितना ये यदि अपन इस वाले डायग्राम से देखें अपने, जितना ये अवे है ना एंगल उतना ही स्मॉल है मतलब स्लोप जो होगी वो उतनी ही लेस होगी और मैक्सिमम स्लोप कब आएगी जब इस वाले केस में जब आपका यहां से आप इजीली बोल सकते हैं कि मैक्सिमा कब आएगा इसके स्ट्रेट डी न्यू बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री किस पर आ रहा है क्यू पर आ रहा है सो आई कैन से करेक्ट ऑप्शन क्लियर चलो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को ये एक अच्छा क्वेश्चन था मतलब सोचने वाला था वैसे जनरली है ना देखो दो ऑप्शन के लिए तो इसमें इजीली आप कर सकते थे वन आप इजीली कर सकते थे ठीक है कि वहां पर स्लोप जितना अवे होगा स्लोप उतनी ही कम होगी तो फर्स्ट करेक्ट हो गया और फर्स्ट करेक्ट होते आप क्यों फोर्थ को इजीली करेक्ट कर सकते थे ये अपना एनालिटिकल मैथमेटिकल बात कर रहे, पूरा एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ में करने के हिसाब से जो मैंने बताया ये फिर पूरा एनालिसिस करना हो पूरा मैथमेटिकल अप्रोच लगा लो ठीक है आगे बढ़ाते हैं बात को बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है ब्लॉक कैपिटल हैंग्स वर्टिकली एट द बॉटम ऑफ

ए पॉइंट तक पहुंचने में टी नोट ए टाइम लग रहा है ठीक है इफ द वेव पल्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ए इस वाले केस में पॉइंट ए पर एक दूसरी वेव पल्स प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ कैपिटल एम कैपिटल एम को वहीं रख रहा है इट टेक्स ए टाइम टी ए ओ टी ए ओ यहां से यहां तक जाने में टू रीच एट ओ ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ऑब्लिक आर करेक्ट ठीक है सर तो सबसे पहले वाले केस में देखो किसी भी वेव के लिए यदि बात करेंगे ना तो वेव की वेलोसिटी जो होती है ना वो इनडिपेंडेंट ऑफ सोर्स होती है मतलब वेव की वेलोसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती मतलब चाहे वेव अप टू डाउन मूव करे चाहे डाउन टू अप मूव करे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर यदि अपन बात करेंगे ना तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी दोनों ही वेव्स के लिए तो द द वेलोसिटी ऑफ ऑफ टू आर सेम एट मिड पॉइंट रोप देखो अब ये ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है क्यों कि एक पल्स जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है और एक पल्स जो है वो नीचे से ऊपर जा रही है क्लियर बात एक पल्स अपसाइड टू डाउन साइड मूव कर रही है और एक पल्स डाउन साइड से अपसाइड मूव कर रही है सर

डायरेक्ट वेलोसिटी मतलब फिर वेव की डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी तो मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम होगा डायरेक्शन विल बी डिफरेंट तो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी क्लियर चलो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं सर फिर वो कह रहा है टाइम के लिए कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है देखो वेलोसिटी दोनों के हर एक पॉइंट पर स्पीड सेम रहेगी डाउनवर्ड मोशन में जैसे इस वाले पॉइंट की बात करूं तो जो स्पीड डाउनवर्ड मोशन में रहेगी वही अपवर्ड में रहेगी इस वाले पॉइंट पर जो डाउनवर्ड में रहेगी वही अपवर्ड ऑब्वियसली पॉइंट बाय पॉइंट स्पीड की वैल्यू अलग अलग होगी बट दोनों पल्स के लिए सेम होगी अच्छा अब जैसे मान लो मैं डिफाइन करना चाहूं कि, कि किसी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी क्या बोले सर ये मास अपने पास कैपिटल लिया मैंने लेट द लीनियर मास डेंसिटी इज म्यू और मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पर बात कर रहा हूं जहां पर मैंने एक डी लेंथ का एलिमेंट लिया है तो वेलोसिटी वी जिसको अपन dx बाई डी टी भी रखते हैं उसकी वैल्यू अंडर रूट टी बाई म्यू टी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एम प्लस म्यू एक्स डिवाइडेड बाय म्यू यहां से आप किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी देख सकते हो और टोटल टाइम यदि आपको कैलकुलेट करना हो देर रूट में म्यू डिडेड बाई कैपिटल एम प्लस म्यू एक्स लेट्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम l।

वेव वेलोसिटी जो होती है वो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है उसका सोर्स की फ्रिक्वेंसी से सोर्स की वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं होता है सर क्लियर फिर थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ ए पल्स वन बिकम्स देखो ये वाली जो पल्स है वो ये बोल रहा है कि जब ये यहां पहुंचती है ना तो इसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती है हमने कहा सर ठीक है बिकम्स लॉन्गर वेन इट रीचेज एट तो हमने कहा भाई देखो पंडा क्या लगाना है

दो सक्सेसिव रेजोनेंस के लिए एयर कॉलम की जो लेंथ है वो 50.7 और 83.9 सेंटीमीटर है ओके okay, सर हमने कहा सर देखो ऐसा है इसमें मैं फोर्थ ऑप्शन के लिए तो सीधा-सीधा बोल सकता हूं कैसे चलो पहले अप्रोच की बात करते हैं ये बोल क्या रहा है रेजोनेंस ट्यूब वाला केस यदि के अपन लेते हैं तो ये क्लोज्ड ट्यूब की तरह बिहेव करता है। मतलब एक एंड्स क्लोज और एक एंड ओपन फर्स्ट वाले केस में अपने पास ये कैलकुलेशन आई तो इससे जस्ट अगला जो होगा जिसमें यदि लेंथ है तो उसके लिए टू एन प्लस की जो वैल्यू होगी मैं इसमें एन इज टू इस केस में जीरो और इस केस में वन लेके चलता हूं तो ये फंडामेंटल वाला केस आ जाएगा बोलो और नो इफ जीरो लेकर सोल्व करता हूं ना तो ई की वैल्यू मेरे पास इस कैलकुलेशन से एल टू माइनस थ्री एलवन डिवाइडेड बाई फोर आती है बात समझ रहे हो एल टू माइनस थ्री एलवन डिवाइडेड बाई फोर आती है सर तो होता क्या है एक्चुअली कि फर्स्ट और सेकेंड जस्ट फर्स्ट रेजोनेंस और उससे जस्ट अगला जो रेजोनेंस है उसमें इस एलवन की जो वैल्यू है वो एल टू के थ्री टाइम्स से लेसर होनी चाहिए जो कि ऐसा नहीं है दैट मीन दिस फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट फोर्थ पर अपन ने डायरेक्ट अप्रोच लगा दिया अपना अब आगे बात करते हैं सर ये दो अपने पास है बोला हाँ ठीक दिस दिस इज इज इक्वेशन इक्वेशन नंबर नंबर एंड टू तो अपने पास जब तक एन नहीं है तब तक अपन ई कैलकुलेट नहीं कर सकते बोला नहीं कर सकते एंड करेक्शन नहीं बता सकते तो एंड करेक्शन वाले ऑप्शन को अपन छोड़ देते फिर अपन यहां से यदि बात करें तो जैसे ही अपन सब्जेक्ट करेंगे एल टू माइनस एल वन जैसे ही पुट करेंगे ना बेटा एल टू माइनस एलवन की वैल्यू मेरे पास लेमडा वाई टू के इक्वल आ जाएगी तो आप लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी टू टाइम्स जैसे ही आप यहां से इसको सोल्व करके बढ़ेंगे ना आगे तो ये ऑप्शन थ्री जो है ये इसका करेक्ट आ जाएगा मतलब इसकी वैल्यू जो है वो सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर आ जाएगी मेरे पास सबट्रैक्ट लो यार बहुत इजी से कैलकुलेशन एटी थ्री पॉइंट फिफ्टी पॉइंट सेवन तो करना है ये अपने पास 66.4 सेंटीमीटर आ गया अच्छा फिर यहां से अपने पास फ्रिक्वेंसी गिवन है सो फ्रॉम वी इज इक्व टू एफ कैलकुलेट द वेलोसिटी। बोलो ये तो वी इक्व लेमडा फाइव हंड्रेड से 66.4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है तो ये तो सीधा सीधा 500 हंड्रेड मल्टीप्लीकेशन में 66.4 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा ना मीटर में कैलकुलेट करना है दो जीरो से दो जीरो तो हो 5, 332 बोलो अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे क्वेश्चन नंबर सेवन जे एडवांस टू का क्वेश्चन और बहुत ही अल्टीमेट वाला क्वेश्चन है ये। एक बहुत छोटा सा अप्रोच लगा था यदि वो क्लिक कर गया तो क्वेश्चन हो गया और नहीं क्लिक किया

जिनका मास एम और टू एम उनके साथ कनेक्ट कर दिया यूजिंग टू मासन ऑफ एन एंड एन इन द फिगर इसका एक्सिलेशन एन है इसका एक्सीन ए टू है इसका एक्सिलरेशन ए थ्री है जैसा कि डायग्राम में शोन है बोला ठीक है सर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट सिस्टम को आपने रेस्ट से छोड़ा विद्रिंग इन इट अनस्ड स्ट्रेट

समेशन टी डॉट एज टू जीरो बहुत अल्टीमेट चीज है मैं कंस्ट्रेंट मोशन में देखो पुली वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना कंस्ट्रेंट मोशन में मतलब जेई में वैसे तो आया हुआ क्वेश्चन यही है और कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन इस कंसेप्ट से इतना आसानी से बन जाते हैं मतलब हम कंस्टेंट मोशन के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से होते हैं हम परेशान होते हैं सर कि इनके एक्सिलरेशन में रिलेशन क्या होगा

और यहां पर मास क्या है टू एल ठीक है इस पर ऑब्वियसली टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्टिंग होगा टी इसका एक्सिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में A2. इस पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्टिंग होगा टी और इसका एक्सिलेशन जो है दैट इज तो इस वाले पर जो टेंशन होगा वो अपने को साफ साफ दिख रहा है सर देखो इधर टी इधर टी तो इधर कितना टूटी तो, टू तो इधर कितना टू टी और इसका एक्सीलरेशन है ए वन क्लियर आप यहां से सीखना और बाकी क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने की एक बार कोशिश करना बिल्कुल इजीली बन जाएगा मैं समेशन टी डॉट इक्वल टू जीरो लगा रहा हूं तो देखो सबसे पहले मैं इसके लिए लगाऊंगा ना तो टू टी इन ए वन टू टी तो t into में a1 cos 0 क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितने का 0 इन दोनों के बीच एंगल कितने का 90 का तो t into में इसका एक्सीलरेशन क्या ले रखा अपन ने इसके एक्सीलरेशन को ले रखा है सर a2 इसका एक्सीलरेशन a2 और इसका एक्सीलरेशन a3 तो t into में a2 into में cos 180 प्लस में इन दोनों के लिए बात करेंगे तो t into a3 टू में कोस वन एट्टी एंड दिस वैल्यूजन टी डॉट एक्स टू जैसे बचा ए थ्री आ, 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 तो आ गया अपने पास देखो डायरेक्ट रिलेशन कुछ स्टूडेंट्स को याद भी है कुछ याद नहीं है तो टी डॉट एस टू जीरो पुट कर दो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि a2 a1 a1 minus, सजा के लिखो इसको एक ए वन को इधर रख लो ए थ्री को इधर भेज दिया तो ए वन माइनस ए थ्री और एक ए वन इधर लेकर आए दिस वैल्यू इज ए टू माइनस ए वन दैट इज गिवन इन ऑप्शन सेकंड, सो द ऑप्शन सेकंड वन इज करेक्ट क्लियर बोला ठीक है अब अपन आगे बात करते हैं सर देखो इस वाले केस को यदि मेरे को सोल्व करना है ना तो मैं इसके लिए ना एक कंसेप्ट आपको बताता हूं ना फिर अपन इसके ऑप्शन की बात करेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास ये एक सिस्टम है ना जिसमें मेरे पास इधर एक मास m1 वन है और इधर एक मास m2 टू है क्लियर और मैं यदि इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सोल्व करता हूं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन मेरे पास जो आता है ना दैट इज टू एम वन एम टू यदि ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट में रखा हुआ है एंड दिस लिफ्ट अपड विशन एम वन एम टू जी प्लस ए डिडेड बाई एम वन प्लस एम टू होता है सर तो यदि मैं इसको टी जी प्लस ए से रिप्लेस करता हूं या फिर देखो जैसे इस वाले पर बात करूं तो इस वाले पर टेंशन कितना टू टी तो मैं इसको टू टी अपन जी प्लस ए से रिप्लेस करता हूं ना तो ये वाली जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आ जाती है फोर एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस इंटू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू एम दैट वैल्यू इज थ्री एम तो यहां से मेरे पास जो इक्वेलेंट मास इसका आता ना दैट इक्वेलेंट मास इज एट एम डिवाइडेड बाई थ्री बात समझ रहे हो मैं यहां से इक्वेलेंट मास कैलकुलेट करना सीखा है तो अब मैं जो सिस्टम बनाऊंगा ना मेरा वो सिस्टम एक्चुअली कुछ ऐसा बनेगा कि यहां मास टू है ये यह यहां से एक पुली को क्रॉस करते हुए आ रहा है और मैं यहां जो मास लूंगा ना बेटा दैट मास इज एटम डिवाइडेड बाई थ्री द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज के अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है यदि ये क्लिक किया बन गया नहीं क्लिक किया तो वो ऑप्शन पहले करेक्ट हो गया जो करेक्ट था अब अपन इस पे बात करते हैं देखो क्या क्या इन्होंने पूछा है ऑप्शन में जो पूछा इन्होंने पहली चीज तो यह पूछी है कि मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है वो कितना होगा मैंने कहा सर ठीक है देखो यदि अपन इसके मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात करते हैं ना बेटा तो अपन क्या अप्लाई करेंगे दट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्व टू एट एम है कैपिटल है जो भी है कोई दिक्कत नहीं एटम स्मॉल है क्या कैपिटल है देख लो एक बार सारे सेम है कोई दिक्कत नहीं कैपिटल ले लो अपने हाफ के एक्स स्क्वायर जितने भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो इसकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा दैट वैल्यू इज एट एम जी डिवाइडेड बाई थ्री इन टू एक्स नॉट देन फ्रॉम यर वी कैन से दैट द एक्स नॉट इज इक्व टू कितना सिक्सटीन एम जी By 3K. एक तो मैक्सिमम एक्सपेंशन पूछा है तो एक ऑप्शन तो हो गया थ्री जी अंडर रूट एम बाई फाइव के देखो बेटा जी यदि मैं इसकी की बात करता हूं ना फर्स्ट टाइम स्पीड की बात कर रहे हैं x नोट बाय 2 तो हमें पता है सर x नोट बाय 2 कौन सी कंडीशन के लिए होगा बोला मीन कंडीशन के लिए होगा तो मीन पोजीशन पर जो स्पीड होती है वो अंडर रूट ओमेगा बाय के होती अंडर रूट ओमेगा x नोट होगी और ओमेगा की वैल्यू के डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 2m प्लस में इधर वाला इक्विवेलेंट मास कितना आपका 8m/3 में x नोट x नोट की वैल्यू क्या है आपके पास x नोट की वैल्यू है आपके पास सिक्सटीन एम जी बाई थ्री के तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे v इज इक्व टू ओमेगा इंटू में एक्स नॉट दिस वैल्यू इज सिक्सटीन एम जी डिवाइडेड बाई थ्री के करने पर v की वैल्यू मेरे पास आ रही है फोर्टीन थ्री के डिवाइडेड बाई फोर्टीन एम इन टू में सिक्सटीन mg डिवाइडेड बाई थ्री के

में और स्क्वायर किया तो कैंसिल आउट हो गया साथ में आपको एक्स नॉट बाई फोर करना है बोला एक्सिलेशन इज थ्री जी बाई टेन तो क्या करेक्ट है नहीं है दैट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली सेकेंड वन क्लियर है सर तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अल्टीमेट वाला क्वेश्चन था बट इन्होंने यदि ऑप्शंस और दिए होते वन थ्री फोर वाले में से कोई एक करेक्ट तो क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट होता अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत भी हो गया जिनको छोटा सा पार्ट पता था और जिन्हें भी वो क्वेश्चन उसी बेसिस पर सही हुआ है क्लियर है क्या जिसको थोड़ा बहुत आ रहा है वो उसका भी सही हो रहा है और जिसको बहुत कुछ आ रहा है उसका भी सही हो रहा है तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी थी वन थ्री फोर में से कोई एक ऑप्शन और करेक्ट देना चाहिए था ठीक चलो सर आगे बढ़ाते हैं बात को अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर अलेवन

जो है लिस्ट 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 इन है। और जो में मैच करना है ठीक है किस किस अपन वी एल के दोनों के लिए फिर रेशियो तो डिफाइन करना कैलकुलेट करना है, करना है? Okay. तो सबसे पहले देखो किसी भी सैटेलाइट के लिए जब अपन बात करते मान लो सैटेलाइट का मास कैपिटल प्लान का मास कैपिटल और एक सैटेलाइट इसके अराउंड रिवोल्व कर रहा है आर रेडियस के सर्किल में तो अपन क्या पुट करते हैं कि एमवी स्क्वायर अपॉन आर जो होता है वो अपने पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर होता है कि सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा यहां से अपन सैटेलाइट की जब स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो ये अंडर रूट जीएम बाय आर आती है अपने पास बोलो यस औरनु बोला हां

तो जैसे ही आप टी वन बाई टी टू की बात करेंगे दैट वैल्यू विन बाई आर टू रेस्ट टू दावर थ्री बाई टू आर वन बाई आर टू इज वन बाई फोर वन बाई फोर को अपना पार थ्री बाई टू इसकी पावर टू इसकी पार बाई टू ये तो सही होगी टू की पावर थ्री बचा टू की टू की पावर थ्री दैट इज वन बाई एट तो टी वन बाई टी टू जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई जो कि एस के साथ ऑप्शन वन में होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन सेकेंड वन बोलो ठीक चलो सर बात को आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं nine. देखो नाइन में क्या बोल रहा है ये 2019 में, देखो, 2019 में ना एक पेपर में चार पैसेज थे और चारों पैसेज हलवा थे दो ये दो अपन हीट वाले एक, ये है, एक इसके बाद है, और दो इससे पहले हीट वाले में थे जो हीट का प्रीवियस ईयर अपन ने डिस्कस किया उसमें थे और वो चारों इक्वेशन मैं तो ये मानता हूं कि वो सिलेक्शन के लिए थे मतलब तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम उन चार चारे को कर लो खेल खत्म इजीली मतलब आप जो एक कट ऑफ मार्क्स मानते हैं ना फिजिक्स में वो आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिजिक्स के कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो एक चार पैसेज से एक पेपर में इजीली क्रॉस हो सकते हैं सर और बहुत इजी गोइंग से पैसेजेस थे चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन

फिफ्थ एंड फोर्थ टींथ हार्मोनिक रेस्पेक्टिवली सच दैट ऑल स्ट्रिंग्स है अच्छा द करेक्ट मैच फॉर द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द फोर स्ट्रिंग्स इन यूनिट्स ऑफ टी नोट विल बी ओके सर देखो वैसे बहुत ईजी गोइंग सा क्वेश्चन है जैसे पहले वाले स्ट्रिंग के लिए मैं बात करूं तो एफ नोट की वैल्यू मेरे पास है वन अपोन एट टू एल नोट अंडर उठ सही है क्या सर बोला हाँ दूसरे वाले स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी तो f नोट ही है और उसके लिए कौन सा है सर थर्ड हार्मोनिक दे रखा है थर्ड हार्मोनिक दे रखा है दैट दिस वैल्यू विल बी थ्री डिवाइडेड बाय टू एंड व्हाट इज द लेंथ सेकंड स्ट्रिंग के लिए लेंथ दे रखी है थ्री एल नोट बाय फोर थ्री एल नोट बाय टू सॉरी थ्री एल नोट बाय टू दिस वैल्यू इज टेंशन टी डिवाइडेड बाय टू सही है क्या बोला ठीक है यहां से यदि मैं सोचूं देखो क्या, क्या क्या कैंसिल आउट हुआ थ्री से थ्री कैंसिल आउट टू, से टू कैंसिल आउट, तो एफ नोट की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है ठीक है।, है आप इन दोनों को इक्वल पुट कर दो जैसे ही इक्वल पुट किया इधर तो बचा टी नोट बाई म्यू टी नोट बाई टू और इधर बचा अंडर रूट टी वन बाई 2 तो मेरे पास यहां से यदि मैं सोचूं तो t1 की वैल्यू देखो ये 2 और ये रूट √2 तो रूट √2 बच गया तो t1 की वैल्यू मेरे पास आ गई t नोट 2 मेरे को टेंशन डिफाइन करनी है स्ट्रिंग में इन टर्म्स ऑफ t नोट बोला ठीक है तो फर्स्ट वाले में तो t नोट ही है तो फर्स्ट वाले स्ट्रिंग में तो t नोट है मतलब फर्स्ट वाले के साथ p मैच होना चाहिए फर्स्ट वाले के साथ p मैच तीन जगह हो रहा है फिर सेकेंड वाली स्ट्रिंग जो है उसके साथ वन बाई टू वाला डाटा मैच होना चाहिए तो है, या है, ठीक है? अब मैं बात करता हूं थर्ड वाली स्ट्रिंग के लिए देखो थर्ड वाली स्ट्रिंग के लिए फ्रिक्वेंसी उसकी भी एफ नोट है कौन से हार्मोनिक में चला रहा है उसको फिफ्थ हार्मोनिक में चला रहा है तो फाइव अपोन टू वट इज देंथ लेंथ दे रहा है फाइव एल नोट बाई फोर दिस वैल्यू इज फाइव एल नोट डिवाइडेड बाई फोर एंड दिस इज अंडर रूट टी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री म्यूट थ्री म्यू थर्ड वाली स्ट्रिंग का ठीक है देखो फाइव से फाइव शहीद हो गया यह कैंसिलोट तो की वैल्यू जो आ रही है वो मेरे पास आ रही है टू अपोनेट एल नोट अंडर रूट में टी थ्री डिवाइडेड बाई थ्री म्यू यदि मैं अब इन दोनों को इक्वल पुट करता हूं तो वन अपोनेंट टू एल नोट अंडर रूट टी नोट म्यू इज़ टू अपॉन एन एल नोट शहीद हो गया इसको इसके नीचे भेजा और स्क्वायर कर दिया तो, तो दिस डाटा बिकम्स थ्री टी नोट डिवाइडेड बाई सिक्सटीन दिस इज द टेंशन इन थर्ड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग की बात करें तो थर्ड में अपने पास आर मैच थर्ड में क्या मैच होना चाहिए थर्ड वाले के साथ टी मैच होना चाहिए थर्ड वाले के साथ टी मैच फर्स्ट वाले में कर गया तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर बोला ये तो ठीक है फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं फोर्थ वाले के लिए बात करते हैं देखो फोर्थ वाले केस में जब बात करोगे तो स्ट्रिंग की लेंथ ले रखी नोट नोट तो फ्रीक्वेंसी कौन से फंडामेंटल मोड में फोर्टीन हार्मोनिक मोड में तो इट इज फोर्टीन डिवाइडेड बाई टू साथ में लेंथ कितनी सेवन एन नोट बाई फोर ओके एंड दिस वैल्यू इज अंडर रूट डिवाइडेड बाई फोर म्यू फोर्थ वाले स्ट्रिंग का मास पर फोर okay, तो अपने पास फोर्टीन से टू और सेवन ये तो सही हो गया ये वाला डाटा गया ऊपर तो एफ नोट की वैल्यू जो है कितना आ रहा है इधर उधर वाला डाटा था वन अपोनेट टू एल नोट स्टार्टिंग वाले से कंपेयर कर रहा है अंडर रूट टी नोट म्यू 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 ओके सर देखो बाई म्यू से म्यू तो उद हो गया एल एल नोट नोट से L -note हो गया तो टी फोर की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एस टी नोट डिवाइडेड इसका मतलब इसके साथ जो ऑप्शन मैच करेगा वो ऑप्शन एस मैच करेगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन क्लियर बात चलो सर बात को आगे बढ़ाते नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है अपना उसमें वो बोल रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड बाय यूजिंग फोर डिफरेंट मेटल स्ट्रिंग्स सेम टू सेम बात है जैसे पिछले वाले केस में थी ना सेम टू सेम डिस्कशन है वन टू थ्री एंड फोर विथ मास पर यूनिट लेड फोर म्यू रेस्पेक्टिवलींस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाई वाइब्रेटिंग द स्ट्रिंग्स बाय वेरिंग द फ्री लेन बिटवीन द रेंज एल नोट टू टू एल नोट अच्छा फिर वही वाला केस है इट इज फाउंड दैट स्ट्रिंग वन मास पर यूनिट लेट फ्री लेल नोट टेंशन टी नोट इन द फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ नोट बोल रहा है बोला ठीक है अब वो बोल क्या रहा है कि इफ द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग इज टी नोट हर एक स्ट्रिंग में टेंशन टी नोट है द करेक्ट मैच फॉर द हाइएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नोट इन एफ नोट यूनिट्स विल बी एफ नोट की टर्म्स में अपने को करेक्ट मैच जो है वो फाइंड आउट करके बताना है ठीक बात है सर देखो भाई सबसे पहले अपन बात करते वन बाय वन जैसे मैं स्ट्रिंग वन के लिए बात करूं स्ट्रिंग <laughs> वन के लिए एफ वन इज इक्वल्स टू वन अपोनेंट टू एल नोट अंडरव टी नोट बाई म्यू बोला ठीक है यदि मैं स्ट्रिंग टू के लिए बात करता हूं एफ टू दैट वैल्यू विल बी फ्री लेंथ एल नोट ले रहा है स्ट्रिंग वन के लिए और टेंशन टी नोट ले रहा है बोला ठीक है इसके लिए यह वाली वैल्यू अंडरव टी वन डिवाइडेड बाय टू म्यू

तो देखो एक तो जो सोर्स है ना वो खुद की साउंड सुन रहा होगा तो सोर्स जो डायरेक्ट साउंड सुन रहा होगा उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी डायरेक्ट साउंड जो सुन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 492 नाइनटी हर्ज अब ये जानना चाह रहा है सर कि वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसमें और 492 नाइन्टी हर्ज में कितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो कैलकुलेट करके बताना है मैंने बोला ठीक है देखो सर रिफ्लेक्टेड के लिए देखे पहले यह सोर्स और ये जो बड़ी गाड़ी बोल रहा है जो इस डायरेक्शन में आ रही है फर्स्ट वो क्या करेगी खुद एब्जॉर्ब करेगी मतलब रियलाइज करेगी फिर उसको रिफ्लेक्ट करेगी मतलब पहले वो एब्जॉर्ब करेगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी ऑब्जर्वर की तरह बाद में उसको रिफ्लेक्ट करेगी तो किसकी तरह बिहेव करेगी सोर्स की तरह तो जब इस पर इंसिडेंट हो रही है तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है इस वोल पर उसकी वैल्यू हो जाएगी वी प्लस टू डिवाइडेड बाई वी

सोर्स को ऑब्जर्व हो रही है बोला हाँ क्योंकि ये सोर्स है द सोर्स इज फर्स्ट द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स सो वी प्लस वी ओ सेकेंड द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर दैट वी माइनस वी बोला ठीक जैसे ही आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एफ बिकम्स वी अपॉन वी माइनस में एफ इंसिडेंट दैट वैल्यू इज वी प्लस डिवाइडेड बाई वी इन में रुक जाए यार तेरे को बहुत खेलना है इन टू में एफ नोट बोला ठीक वी से वी सही हो गया हाँ तो एफ रिफ्लेक्टेड जो मेरे पास आ रहा है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास वी प्लस टू अपॉन वी माइनस टू वी प्लस टू वी प्लस टू थ्री थर्टी प्लस टू दैट इज थ्री थर्टी टू डिवाइडेड बाई वी माइनस टू दैट इज थ्री ट्वेंटी एट मल्टीप्लाइड विद्रिक्वेंसी दैट इज फोर नाइन्टी 492. ठीक है क्या सर जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे एफ रिफ्लेक्टेड माइनस एफ डायरेक्ट दैट वैल्यू कम्स एस 492 इनटू 332 बाय 328 थर्टी माइनस में वन होगा दैट वैल्यू इज 4 बाय 328. और इसकी वैल्यू अपन सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद अपने पास सोल्व होकर कितनी सर सिक्स हर्ज मतलब जो सोर्स है जो खुद साउंड एमिट कर रहा है वो रिफ्लेक्टेड साउंड जब सुनेगा तो उसको बीट फ्रीक्वेंसी मिलेगी कितने की सिक्स हर्ज की क्लियर चलो डियर आगे बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर देखो इसमें क्या बोल रहा है जय एडवांस टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन है टू मैन आर वर्किंग अलोंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन The man in front walks at a speed of one meter per second, and the man behind walks at a speed of two meter per second. Okay, a third man is standing at a height of twelve meter above the same horizontal line. Okay, such that all three men lie in a vertical plane. The two walking men are blowing identical whistles, which emit a sound of frequency 430 hertz. The speed of sound in air is 330 meter per second. At the instant when the moving men are ten meter apart, Achha. the stationary man is equidistant from that. फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इन हर्ड हर्ड बाई द स्टेशनरी मैन एट दिस इंस्टेंट इज ओके सर तो अपन क्या करते हैं देखो जब भी इस टाइप का डॉपलर इफेक्ट का अपने पास क्वेश्चन आता है ना वैसे तो डॉपलर इफेक्ट ही है बाद में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है एक यहां है एक यहां है और एक यहां है इसको सुनना है इन दोनों को बजाना है 12 मीटर ये डिस्टेंस 12, ये डिस्टेंस 5, ये डिस्टेंस 5. तो मैं ये बोलूं बेटा जी ये डिस्टेंस मेरे पास 13 मीटर होगी और ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी मेरे पास 13 मीटर होगी दस इज 12, दस वन इज 13. ये 5, ये 5, ये 12, तो ये 13 और ये 13. बोला हां <coughs> दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है सेम है आइडेंटिकल वेसल्स में फ्रीक्वेंसी सेम है एयर में साउंड की स्पीड दे रखिये ठीक है सर तो मैं एक काम करूं देखो इसकी फ्रीक्वेंसी यदि एफ नोट तो ये कितना हर्ड करेगा जैसे इसकी वेलोसिटी जो है वो जो पीछे चल रहा है ना उसकी वेलोसिटी क्या गिवन है बैक साइड वाले की वेलोसिटी गिवन है टू मीटर पर सेकेंड अच्छा तो आप इधर कंपोनेंट डालोगे ये वाला एंगल थीटा तो ये कंपोनेंट कितना टू कोस थीटा सिमिलरली वन वाले के लिए बात करोगे वन वाला जो है वो दूर जा रहा है ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला कितना वन कोस थीटा बोला हाँ तो मैं एफ वन की यदि फ्रिक्वेंसी की बात करता हूं ना दैट वैल्यू विलस टू सॉरी दिस इज सोर्स ना हा तो वी अपोन वी माइनस टू कोस इंटू मैं एफ नोट दो, दोनों की ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको मैं एफ नोट बोल देता हूं फिर एफ टू के लिए यदि मैं बात करूंगा तो एफ टू की वैल्यू मेरे पास आएगी वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वन कोस थीटा इंटू में फ्रिक्वेंसी एफ नोट बोला हाँ

एंड दिस वैल्यू विल बी अच्छा ये इधर अवे जा रहा है तो ये वाला किसके साथ आएगा सर ये प्लस के साथ Obviously, देखो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट होता है और इंक्रीमेंट मतलब डिनोमिनेटर में माइनस इस वाले केस में जब आप बात करते हो तो ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट मतलब डिनोमिनेटर में प्लस बोला ठीक माइनस में वन अपोन वी प्लस वन थीटा ओके सर ये वी एफ ये नोट, इधर मल्टीप्लाई वी प्लस वन कोस थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई माइनस वी प्लस टू कोस थीटा, तो मैं कहूं सीधा सीधा मेरे पास बच गया थ्री कोस थीटा डिवाइडेड बाई वी माइनस टू कोस थीटा इंटू में वी प्लस वन कोस थीटा ठीक है क्या सर ऐसा कुछ टर्म बना अब देखो यदि मैं नीचे वाले टर्म में बात करूं ना वी माइनस टू थीटा वी प्लस वन कोस थीटा ये बहुत लेसर है क्योंकि v की जो वैल्यू है वो 330 है अब 330 में से आप 2 cos थीटा माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेट डाटा जो है वो उतना ही आएगा तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसा लिख सकता हूं कुछ 3 f नोट को स्थितिटा डिवाइडेड बाई वी में बात ठीक है क्या थ्री नॉट cos थीटा डिवाइडेड बाय v बोला ठीक तो यहां से यदि यह अपन इसको सोल्व करते हैं ना सर देखो थ्री एफ नोट कितना है साहब एफ नोट अपना गिवन है डिवाइडेड कितना गिवन है अपना थ्री थर्टी एंड वट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस द वैल्यू ऑफ कॉर्स थीटा इज फाइव अपॉन इन थर्टीन क्लियर है क्या सर सो दिस वैल्यू कम्स एज फाइव क्लियर है क्या सर तो इसकी जो बीट फ्रीक्वेंसी अपने पास आएगी दैट विल बी फाइव बोलो यस और नो देखो डॉपलर uh, इफेक्ट में ना एक ही चीज का ध्यान रखना है व्हेन द द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स ऊपर प्लस ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऊपर माइनस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर डिनोमिनेटर में प्लस सॉरी माइनस एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डिनोमिनेटर में प्लस बस ये सोचना है कि रिलेटिव डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इंक्रीमेंट के लिए न्यूमरेटर प्लस और डिनोमिनेटर माइनस रिलेटिव डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी डिस्टेंस इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज डिस्टेंस डिक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इंक्रीमेंट के लिए न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर माइनस डिक्रीमेंट के लिए न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर प्लस ठीक है सर चलो भाई आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो थर्टीन में क्या बोल रहा है थर्टीन जय एडवांस टू थाउजेंड नाइनटीन का क्वेश्चन है सर में बोल रहा है ट्रेन एस वन मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी वन जीरो मल्टीप्लाई करोगे आउट हुआ सिक्स टाइम्स सिक्स टाइम्स तो दिस इज थर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है अप्रोचेज अनोदर ट्रेन S2 टू यहां पर दूसरी ट्रेन एस टू है स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ओके एंड ऑब्जर्वर ओ मूव विदिफॉर्म वेलोसिटी थर्टी किलोमीटर पर आवर देखो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड बोला ठीक टूवर्ड्स एस टू एसन इन द फिगर ओके बॉथ द ट्रेन सेम फ्रीक्वेंसी ओके और दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी है सर वन ट्वेंटी है अच्छा वेन ओ इज सिक्स मीटर अवे फ्रॉम एस टू ओ इससे सिक्स मीटर की दूरी पर है डिस्टेंस बिटवीन एस टून एंड S2 टू इज एट हंड्रेड मीटर एंड द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाई ओ इस बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है वैसे डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है सही अच्छा both the trains are blowing whistles of same frequency when o is 600 meter away from the s2 distance between s1 and s2 is okay तो हमने कहा सर देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कैसे उसको दो सोर्स है और दोनों ही सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूविंग है ये o s2 की तरफ मूविंग है अच्छा ऑब्जर्वर को इसके लिए सुनना है बोला ठीक है तो एक तो s2 से जो डायरेक्ट सुनेगा f2 के लिए मैं बात करूं it is moving towards the source. So distance is decreasing, so frequency will increase. So numerator ke through increment lagayenge, to v plus 10 divided by v into the frequency. Kitna de rahe? 120 hertz. Okay, sir. दूसरा इस frequency f1 के लिए यदि मैं बात करता हूं जो इस source s1 से सुन रहा है तो देखो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरे को दोनों के कंपोनेंट डालने पड़ेंगे VS और अपन दोनों ही क्या लेते हैं दीज आर ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर अच्छा इधर ये डाटा है टेन मैं इस वाले एंगल को कह देता हूं थीटा ठीक है ये मेरे पास 800 ये है मेरे पास 600 इसका मतलब ये वाला जो डाटा है ना बेटा दिस डाटा इज थाउजेंड मीटर ओके तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कोस थीटा जो होगा उसकी वैल्यू मेरे पास फोर अपोन फाइव होगी उसकी वैल्यू मेरे पास थ्री अपोनेट फाइव होगी ओके तो जब एफ वन की वैल्यू लिखेंगे इसके थ्रू जो बीट जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी वी ऑब्जर्वर इधर मूविंग है टेन साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूविंग है कितना थर्टी माइनस थर्टी में क्या सर एफ नोट बोला ठीक तो एफ वन की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है देखो वट इज द वैल्यू ऑफ वी वी कितना गिवन है 330 साइन थीटा कितना है 3 बाई फाइव टेन इंटू थ्री बाई फाइव दैट वैल्यू इज 6 सो दिस इज थ्री डिवाइडेड बाई वी इज थ्री माइनस थीटाइस फोर अपोन फाइव फोर अपोन फाइव थर्टी फाइव सिक्स ट्वेंटी फोर तो थ्री थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर दैल्यू इज थ्री जीरो सिक्स इंटू एफ नोट एफ नोट इज वन ट्वेंटी इधर वाली कैलकुलेशन की बात करें दिस वैल्यू इज थ्री फोर्टी दैट इज थर्टी फोर डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री इंटू में वन ट्वेंटी बोलो बात ठीक है अब अपने को क्या कैलकुलेट करना बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई डिफरेंस इन हर्ड फ्रीक्वेंसीड बाईर मतलब दैट दिस दिस माइनस तो कॉमन आ थ्री थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री जीरो सिक्स माइनस में थर्टी फोर डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री क्लियर यदि अपन इससे डाटा कैलकुलेट करते हैं तो ये एट पॉइंट वन टू एट समथिंग कुछ आता है अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहे तो वी कैन राइट इट लाइक एट पॉइंट क्लियर है सर ठीक तो है मेरी तरफ से इन कंक्लूजन यही देखो ग्रेविटेशन और एस एच एम में कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में अप्लाई भी होते केवल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यदि मैं वेव थ्योरी की बात करूं तो वेव थ्योरी से पेपर में केवल और केवल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वेव थ्योरी प्लस डॉपलर इफेक्ट दोनों है इसमें ना डॉपलर इफेक्ट और वेव थ्योरी दोनों से ही जो क्वेश्चन है ना वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो वेव थ्योरी में हमें फार्मूलाज याद होने चाहिए और आप देखोगे कि, कि मोस्ट ऑफ द क्या मिलते लगभग सारे क्वेश्चन या तो स्टैंडिंग वेव पर बेस्ड है या फिर ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड है तो हम जब चैप्टर के दो पार्ट करते हैं ना तो लेटर वाला जो पोर्शन है जिसमें स्टैंडिंग वेव और डॉपलर इफेक्ट का डिस्कशन करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करें ओके okay.